कि 365 डे का ब्लॉक चैलेंज टूटेगा क्या? अब क्या हुआ था अमृतसर में कि हमारी ये वाली जो कॉर्ड थी ना, इसमें से धुआं आ गया था और मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर से आ गया। फिर हमने ये वाली नई केबल खरीदी। ओके, तो ये हुआ है, ब्लैक वाला जो तार है ये टूट गया होगा और उसने रेड वाले तार के साथ शॉर्ट सर्किट करके इसमें आग लगा दी। कम से कम चार्जर बच गया। आज मैं दे रहा हूँ आपके सवालों के जवाब और पहला सवाल यही आया है कि 365 डे का ब्लॉग चैलेंज टूटेगा क्या। देखिए, मैं ब्लॉग डेना डेली शूट कर रहा हूँ और अपलोड बस एक दिन में चूक गया। मैंने उसको दूसरे दिन शाम तक कर पाया और उसका कारण जो है बहुत ही जेन्युइन था। कॉर्ड रात को 1:30 बजे कहीं नहीं मिल सकती थी। अब ये आप डिसाइड करो कि चैलेंज टूटा है कि नहीं टूटा, लेकिन ब्लॉग मैं डेली शूट कर रहा हूँ और अभी मैं हो सकता है एक दिन में 2 ब्लॉग डाल दूँ क्योंकि वो बफर में चल रहा है। गौरव कुमार का सवाल है, सवाल नहीं है अंजुल भैया, बस आप शंभू भाई को बोल दो कि वो अपने माइक का कवर चेंज कर लें, अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं भी उनका वो माइक का कवर देख चुका हूँ, लेकिन क्या होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास 10 मिनट का भी समय नहीं होता है। अब ये कॉर्ड जो है जली है ना, इसके बारे में मुझे पिछले 5 दिन से पता था कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी मैं इसको प्लग इन कर रहा था ना तो ये ठीक से काम नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने ये सोचा कल करूँगा और एक दिन ये कांड हो गया। दीपक कुमार बोलते हैं, आपको मुस्तैज रखना पसंद नहीं है, फिर आप काहे को आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के फ़ैन बोलते हो अपने आप को। देखिए, अब अगर मुझे सलमान खान पसंद है तो उसके जैसे ऐप भी रखने पड़ेंगे क्या? प्रतीक यादव का एक खास सवाल है और इससे ना बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे और कन्फ्यूज भी होंगे। ये बोलते हैं, सर अगर हमें कोई तथागत बुद्ध के गलत स्टोरी बताए तो उसे हम कैसे पहचाने? जैसे कुछ लोग बोलते हैं सिद्धार्थ का जन्म होते ही वो 7 कदम चले थे या बुद्ध के आगे भगवान हाथ जोड़े थे। देखिए, अगर आपको इसमें क्लैरिटी चाहिए ना तो आप बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्धानी धम्मा पढ़िएगा। और क्या होता है ना, जब भी कोई महापुरुष महान व्यक्ति अगर हमारे सामने होता है ना तो हम उसका ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा मंडल करते हैं और कई बार हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे भी लगता है कि ये सब ऐसा झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आप बुद्धायन धम्मा पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों की है ना क्लैरिटी मिलेगी। बुद्धायन धम्मा पढ़िए जो बाबा साहब ने लिखा था। हर्षित सिंह का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको क्या लगता है अगर समाज में पहले से ही जातिवाद नहीं होता तो बाबा साहब एक महान साइंटिस्ट होते? देखिए, दिमाग जो होता है ना वो सबका एक जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उसके पास कम दिमाग है या मेरे पास ज़्यादा दिमाग है। ये सब परिस्थितियाँ होती हैं। अगर आपके सामने अच्छी परिस्थितियाँ आए तो हो सकता है कि आप उसका इस्तेमाल अच्छे से ना करें, लेकिन अगर आपके सामने परिस्थितियाँ कठिन हैं तो बहुत बार आप देखोगे कि बहुत से लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं। तो शायद बाबा साहब के साथ परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थीं, उन्होंने चीज़ों को समझा और बहुत जल्दी मैच्योर हुए और उनको लगा कि यही एक तरीका है जिससे इन सब से निजात पाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कोई भी हो, उसका दिमाग बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाबा साहब का था, बस उसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। स्टार बॉय लाइफस्टाइल, सनी भाई को बिजनेस से हटा दिया क्या आपने? देखो, क्या वो ही क्लिकबेट कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, जस्ट क्लिकबेट किया था और वीडियो में भी हमने कुछ अहम फैसले लिए थे, इस वजह से हमने एक क्लिकबेट किया था बस। पीके गेम बोलते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद की राजनीति आपको सही लगती है? को उन्हें बहुजनों का नेता मानना चाहिए? देखिए, अगर आपको लगता है वो नेता है तो वो नेता मानिए, मेरे कहने पर थोड़ा ना आप उनको नेता मानेंगे। और सबका हक है, वो कोई भी जो है वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, लेकिन मेरे कहने पे उनको नेता मत मानिए। आपको लगता है कि वो नेता हैं तो बिल्कुल मानिए। और मेरा ओपिनियन ये है कि यार सबको हक है, वो अपनी राजनीतिक पार्टियां बना सकते हैं, उन्होंने भी बनाई है और उसका भविष्य क्या होगा अभी मुझे नहीं पता, लेकिन चांसेस हैं कि अच्छा ही होगा। कुछ और आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले है ना मुझे आज के 2 ब्लॉग्स की एडिटिंग खत्म करनी है ताकि आपको जल्दी 2 ब्लॉग देखने को मिले। इसको पहचानते हो? हाँ, जानता हूँ, पुराने जमाने का संजय दत्त जी। ये मेरी 10 साल पुरानी फोटो है जब मैं चश्मा नहीं लगाता था। आपको पता है 10 साल पहले जब मैं ये सब चीज़ें सिखा रहा था ना तो ये इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी, तो वीडियो एडिटिंग है ना ये मुझसे बेहतर करते थे और आज भी मुझसे बेहतर करते हैं। लास्ट वीडियो जो है ना, एक हेडफोन जो है ना मैं इनके कान पे लगा दिया और एक मैंने लगाया और बैठ के ना मैं बोलने वाला था कि हाँ यहाँ कट करना चाहिए, उससे पहले ये बोल पड़ते थे। बल्कि इनने तो वो ब्लॉग देखा भी नहीं था, शूट तो मैंने किया इसलिए मुझे पता है कहाँ पर क्या क्या है। मतलब कान पे आवाज़ आ रही है उसी से बता दें, हाँ यहाँ कट लगा देना, यहाँ स्पेस आ रही है, इसको हटा देना। इस मामले में मैं इनका गुरु हूँ। और रात की मेरी ट्रेन है। अच्छा हरदीप सर, एक बात बताओ, 10 साल पहले का अंजुल
और आज के अंजुल में क्या डिफरेंस है? चश्मा नहीं था, दाढ़ी नहीं थी, मूछ नहीं थी, अच्छा, सही बोल रहे हो। और क्या है, ये मोटे नहीं थे, पतले थे, ठीक है। और दूसरा ये था कि शादी नहीं हुई थी। थोड़ी सा वीडियो एडिट कर लूँ, फिर मिलता हूँ, मुझे रात को निकलना भी बहुत सारा काम है। ओके, बाय बाय, टाटा। फाइनली समय हो गया है बैक टू होम करने का। हमने सोचा जाते जाते ना आखिरी बार बटर नान तो खाई लें, क्यों अर्जी सर, इतना तो बनता है। इनको मैंने खिला खिला के मार दिया, और मैं मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इतना खा रहा हूँ। आज फिर बड़े दिनों बाद वो दिन आया। फाइनली हम छोड़ रहे हैं भटिंडा, ये पीछे भी लिखा है पंजाबी में, है ना। बड़ा मज़ा आया, लेकिन हरदीप सर ऐसा जो बता रहा हूँ, इतनी खुशी मिली ना, मैंने मतलब ब्लॉग में इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हरदीप सर से पूछो, जब भी मैं गाड़ी के पीछे बैठा होता चिल्ला था ना, भटिंडा भटिंडा चला चला कर मेरी कान फाड़ दिए।